नमस्कार दोस्तों, मैं साओ, मेरे चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे मार्केट का पोजीशन कैसा रहा पूरा दिन भर का। आज मार्केट का हालचाल पहले देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो कल लो बनाया था। निफ्टी 50 में 11,152 और आज ओपनिंग हुआ था 11,270 17 रुपया, जो एक हाई लेवल पे एक गैप अप में खुला था और वहाँ से एक हाई बनाया था जो ये है 11,342, और क्लोजिंग बनाया 11,342 132। आज देखेंगे निफ्टी 50 में एक बढ़िया सा रिवर्सल आया था दोस्तों। इसका चार्ट भी देखेंगे। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट में ये था 2 मार्च का कैंडल, ये 3 मार्च का कैंडल, ये एक एक दिन का कैंडल, सभी ये आज का कैंडल। आज का कैंडल यानी आपको पता है मैं बोला था जो इंडिया वीक्स 23 से 25 अगर चला जाता है, यहाँ पर मार्केट कभी भी एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। इतना हाई हाई वोलेटिलिटी है मार्केट में। इंडिया वीक्स कभी 25 में जाता है, याद रखिए, तो मार्केट पे एक ज़रूर रिवर्स आता है। तो आज देखिए इतना दिन के बाद नेगेटिव होने के बाद और आज एक बढ़िया सा शार्प रिकवर हुआ है जो मार्केट को खींच के 300 पॉइंट ऊपर लेके क्लोजिंग हुआ है 11,300 पे। हम ये देखेंगे अगर 11,000, ये हुआ मार्केट का सपोर्ट लेवल, ये 11,400। अगर मार्केट यहीं से 11,329 से अगर कल ओपनिंग 11,400 पे क्रॉस करके अगर स्टे हो जाता है, यानी आज जैसे खुला है मार्केट 11,300 में रुका हुआ है, अगर कल 11,400 तक पॉजिटिव ओपन होके अगर वहीं से ट्रेड करना शुरू होता है, मान के चलो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है। 11,400 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के बाद ये सीधा जाएगा 11,540 एक सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद 11,650। उसको देखेंगे हम आगे कैसे रिएक्ट करता है। मुझे भी ऐसा लगता है 11,700 11,800 तक मार्केट आ सकता है इन दिस मंथ, मार्च महीना तक। और ये हुआ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट सेम है। आज निफ्टी 50 बढ़िया परफॉर्मेंस किया है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ है। जो देखा जाए बैंक निफ्टी का चार्ट सेम रिकवर हुआ है निफ्टी 50 की तरह और वॉलिंजर बैंड से अंदर घुसा है इतने दिनों के बाद। दोस्तों ये भी देखना है बैंक निफ्टी आज 29,000 तोड़ने के बाद वहाँ स्टे नहीं किया, ये हुआ प्लस पॉइंट, और 29,240 में ये क्लोजिंग हुआ है। आपको ये देखना है 29,500 पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है ये 29,500 का। अगर 29,500 पार करके स्टे कर जाता है, ये मिनिमम 30,000 वीक इन दिस वीक में फ्राइडे तक अगर वहाँ स्टे होता है, अगर इंडिया में कोई बैड न्यूज़ ना आए, मार्केट यहाँ से एक शार्प मूवमेंट देगा 2,000 पॉइंट इन दिस मंथ मार्च महीना, अगर कोई कोरोना वायरस का ऐसे सस्पेक्ट न्यूज़ ना आए। देखते हैं मार्केट का पोजीशन, इतना गिरने के बाद भी मार्केट एक बाउंस बैक अगर देता है, नॉर्मली बाउंस बैक देता है, तो 30,250 तो नॉर्मली है अगर बाउंस बैक आता है। अगर ये भी ध्यान देना है अगर 29,000 के बाद मार्केट कभी भी किसी दिन अगर स्टे कर देता है 29,000 28,700 28,800 ये आसपास अगर स्टे कर जाता है, तो आपको पोजीशन काट देना है। जो ट्रेंड हम सोचते थे बुलिश हो गया, पोजीशन काट देना है। आपको सपोर्ट जोन 29,000 मान के चलना पड़ेगा और रेजिस्टेंस 29,500। अगर 29,500 कल खुल के पॉजिटिव में बंद होता है तो आपको सी में लेना है। ये हुआ बैंक निफ्टी। आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं आज दो ही कंपनी स्टॉक दिया था, NMDC एक दिया था 100C, जो आज NMDC 3.4 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, और कोटक बैंक दिया था 1640 का सी, वो दोनों बढ़िया अचीव हुआ है 10 10 पॉइंट। जो कोई भाई लिया होगा वो एकदम शानदार प्रॉफिट किया होगा मेरा। अब देखते हैं इंडिया वीक्स, इंडिया वीक्स का आज का मोमेंट कैसा रहा।
ये रहा इंडिया वीक्स। इंडिया वीक्स 24.54 अभी भी वोलेटाइल गया है नहीं, ये ओनली आज इंडिया वीक्स से देखा जाए तो ये भी अभी भी वॉलिंजर बैंड की बाहर ही है, अभी भी इसको अंदर आना है। अगर ये कम से कम यहाँ तक आता है, 19-20 तक अगर आता है, तो मार्केट चलो वो है यहाँ से एक बढ़िया से रिवर्स मारेगा एकदम। बैंक निफ्टी 11,000, निफ्टी फिफ्टी 11,600 और बैंक निफ्टी 30,000 तक आ सकता है अगर इंडिया वीक्स 20 या 19 के आसपास आता है, क्योंकि आना ही पड़ेगा इंडिया वीक्स, क्योंकि ये एक जो इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, ये है इससे बाहर है। बोलिंजर बैंड क्या है, बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के। ऐसे मोटा मोटी देखा जाए तो ये कैंडल जो है, एक दिन का कैंडल, ये हर एक एक दिन का कैंडल है। अगर कभी भी बोलिंजर बैंड जो हम, ये जीरोधा एप्लीकेशन है, इसमें फंक्शन में एक बोलिंजर बैंड बोल के एक है, ये बोलिंजर बैंड, इसको आप सेटिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है बाकी डन करना है, ये हो जाएगा सेटिंग में। बोलिंजर बैंड का ये काम है, अगर किसी भी कैंडल, अगर बोलिंजर दो रिबन रहता है कि ये रिबन एक ये रिबन नीचे, इसी रिबन के बीचों बीच काम करता है बोलिंजर बैंड। और अगर कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, अगर बाहर ही हो जाता है, आपको एक बढ़िया मौका देता है, जो आप ऊपर के लेवल पे सेल कीजिए, नीचे के लेवल पे बाई कीजिए, इतना ही ध्यान देना है। और इंडिया वीक्स है 24, ये इंडिया वीक्स मतलब इंडियन वोलेटाइल इंडेक्स, इसमें ट्रेड नहीं होता है, इसमें आपको पता लग जाता है मार्केट का किस कितना स्ट्रेंथ है, और ऊपर जाने का और नीचे जाने का इसका पता लग जाता है। ये कम से कम 9 से लेके 25 तक ऊपर नीचे होता रहता है, अगर आपको 25 में कभी मिल जाता है, आपको वहाँ एक बाय करने का मौका मिलेगा मार्केट में, निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में इंडिया में। अगर नीचे मिलता है 9-10, मार्केट ओवरबॉट हो गया, आपको वहाँ सेल करना है, ये हुआ इंडिया वीक्स। कल देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस करता है, आपको अगर कल पॉजिटिव फेयर मिलता है ना, कोटा बैंक आराम से फेयर लेगा, कोटा बैंक का टारगेट है 1700। कोटा बैंक का चार्ट देखते हैं, कोटा बैंक देखिए वन डे कैंडल अभी वॉलिंजर बैंड से अभी अंदर घुसा है, इसका टारगेट है 1680, अभी 1660 का अभी रेजिस्टेंस लेवल है। कम से कम अगर कल मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो यह कोटा बैंक 100% 1660 तक जा सकता है। देखते हैं बड़े बड़े स्टॉक जो अभी नीचे मिल रहा है, ये वायरस के चलते मार्केट डाउन हो गया था इतना, म्यूचुअल फंड जितना है वो भी अभी डाउन में चल रहा है। अभी मार्केट में कोई अगर न्यूज़ ख़राब नहीं आते ना, यहाँ से एक बढ़िया अच्छा पोजीशन ले सकते हैं, हर स्टॉक अभी नीचे मिल रहा है, आप खरीद सकते हैं। ये NMDC, HDFC बैंक देखो 1181 में मिल रहा है, इंडिगो, यस बैंक, भारतीय एयरटेल, बहुत बढ़िया स्टॉक है। PNB 44 में मिल रहा है, रिलायंस देखो 1342 में मिल रहा है, आपको ये सब ध्यान देना है। ये तो छोटी SBI बैंक देखो 289 में मिल रहा है, इतना सस्ता शेयर है, इसको होल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से, आज बढ़िया भी हुआ है ट्रेड इसमें। हाई भी गया 294, लो 285, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। SCNP बढ़िया स्टॉक है, कोई भी स्टॉक अभी ना अभी नीचे मिल रहा है, आपको ध्यान देना है, मार्केट इस टाइम नीचे में ट्रेड कर रहा है, आपको बाय करने का मौका दे रहा है, आराम से बाय कीजिए। अगर इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 29,000 का सपोर्ट लेवल लेके चलिए, 29,000 से अगर नीचे मार्केट आते तो काट दीजिए, और सी को फोल्ड करके रखिए। और निफ्टी फिफ्टी सेम 11,000 से नीचे आता है माल काट दीजिए, और 11,000 से ऊपर आते हैं तो सी खेलिए। बस कोटा बैंक सेम 1600 से नीचे आते हैं काट दीजिए, 1600 ऊपर है सी खेलिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा चैनल, कैसा लगा मेरी वीडियो, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, नमस्कार।